हाय गाइस, दिस इज रति एंड यू आर स्टडिंग नर्सिंग विथ मी। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल वैल्यूज। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सोडियम। सोडियम का जो रेंज है नॉर्मल, वो है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो गाइस, इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। तो गाइस, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सोडियम जो है इस पूरी लिस्ट के अंदर एक ऐसा सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी नॉर्मल रेंज स्टार्ट हो रही है 100 की सीरीज में। 100 को हम हिंदी में कहते हैं 100। तो उसी तरीके से सोडियम एंड 100 दोनों को हम रिलेट कर लेते हैं तो हमें इजीली याद हो जाएगा कि जो सोडियम का जो रेंज है वो 100 की सीरीज से स्टार्ट होगा, यानी 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इस तरीके से हम रिलेशन बना सकते हैं और याद रख सकते हैं सोडियम का नॉर्मल वैल्यू। अब देखते हैं पोटाशियम। पोटाशियम का जो रेंज है वो है 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो गाइस, इसको किस तरीके से याद रखें, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस लिस्ट में सोडियम का जो रेंज है वो स्टार्ट हो रहा है 135 से। तो हमें क्या करना है, जो 35 है उसे नीचे लेकर आ जाना है और जस्ट बीच में एक पॉइंट को प्लेस कर देना है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि पोटाशियम का जो लोअर वैल्यू है वो है 3.5, हायर वैल्यू है 5.1। अब इसे हम किस तरीके से याद रखें गाइस, तो देखिए कि लोअर वैल्यू में 5 है, लास्ट में आ रहा है, तो हमें क्या करना है, उस 5 को यहाँ प्लेस कर देना है नेक्स्ट 5 के लिए। तो इस तरीके से हमारी जो हायर वैल्यू है 5 की वो हमें मिल जाएगी। देन 5 के बाद पॉइंट को लगाना है और जो ये 1 आ रहा है पॉइंट के बाद, उस 1 को हम किस तरीके से याद रखें, जिस तरीके से हमने सोडियम का 35 लिया गाइस पोटेशियम की लोअर वैल्यू के लिए, उसी तरीके से अब हमें सोडियम का 145 में से 1 को ले लेना है और उसे 5 के बाद प्लेस कर देना है। तो इस तरीके से हमारी जो पोटेशियम की हायर वैल्यू है 5.1 वो हमें मिल जाएगी। तो हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं और इन वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं। तो पोटाशियम का लोअर वैल्यू 3.5 एंड हायर वैल्यू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हमें इजी वे में याद हो जाएगा गाइस। अब देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का रेंज है 8.6 टू 10.0 mg पर dl। तो अब ये 8.6 को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं या मेमोराइज कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए कि जो पोटेशियम की लोअर वैल्यू है वो है 3.5। तो अब हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं और जो 3 एंड 5 है उसका टोटल होता है गाइस 8। तो इस तरीके से हम कैल्शियम की लोअर वैल्यू 8 यहाँ क्रिएट करेंगे। देन सेम पॉइंट लगाना है हमें 8 के बाद, पॉइंट के बाद फिर 6 है। तो 6 को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, देखिए पोटेशियम का जो वैल्यू है वो है 3.5। अब इस जो लास्ट में 5 है और जो 1 है उसे हम ऐड कर लेंगे इमेजिनेशन में, तो हो जाएगा 6। बस उस 6 को हमें 8 पॉइंट के बाद प्लेस देना है तो हमारा कैल्शियम का लोअर वैल्यू 8.6 हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं कैल्शियम का हायर वैल्यू। हायर वैल्यू है 10.0। अब ये 10 किस तरीके से याद रखें, तो आप देख पा रहे होंगे कि पोटेशियम का हायर वैल्यू है 5.1। तो हमें क्या करना है, 5 को जस्ट डबल कर देना है तो 10 मिल जाएगा हमें। अब पॉइंट लगाना है फिर एंड 0। 0 किस तरीके से होगा गाइस, जब हमने 8.6 को क्रिएट किया था तो हमने पहले ऊपर के 5 प्लस 1 किया था, तो वहाँ इस तरीके से हमने 6 को क्रिएट किया था कि इमेजिनेशन में जब हमने वहाँ पर 1 ले लिया है तो अब उसकी जगह 0 हो गया गाइस, तो उसी 0 को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है।
बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से 10.0 की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कैल्शियम का लोअर वैल्यू 8.6 एंड हायर इज 10.0 mg/dL। अब देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रेंज स्टार्ट हो रही है 1.6 से लेकर 2.6 mg/dL। गाइस, 1 जो है सबसे छोटी डिजिट है 0 के बाद। अगर हम 1+1 करते हैं तो हमें 2 मिल जाता है, लेकिन 0+0 करेंगे तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है, सिर्फ 0 ही मिलता है। तो 0 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 1। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि मैग्नीशियम का जो वैल्यू है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से। देन वही पॉइंट को प्लेस कर देना है यहाँ पर, और ये जो है 6 किस तरीके से हम यहाँ लेकर आए। तो कैल्शियम का जो रेंज है वो है 8.6, बस उस 6 को हमें वहाँ से यहाँ पर भी प्लेस कर देना है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि मैग्नीशियम का लोअर वैल्यू जो है वो 1.6 है। अब देखते हैं इसका हायर वैल्यू। हायर वैल्यू है 2.6, जस्ट डबल हो गया है गाइस। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको 1 की जगह 2 कर देना है और जो 6 है वो एज इट इज है। तो इस तरीके से हम मैग्नीशियम का वैल्यू याद रख सकते हैं, जो कि है 1.6 to 2.6 mg/dL। अब देखते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का रेंज जो है वो स्टार्ट हो रहा है 2.7 to 4.5 mg/dL। तो गाइज, जैसा कि हमने देखा था कि मैग्नीशियम का जो रेंज है वो एंड हो रहा है 2.6 पर, और फॉस्फोरस का जो रेंज है वो स्टार्ट हो रहा है 2.7 पर। दोनों में फिर रिलेशन जो बन रहा है वो है एक डिजिट का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है गाइज 2.7 में। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि फॉस्फोरस का लोअर वैल्यू है 2.7 और हायर वैल्यू वो किस तरीके से मिलेगी हमें। हम देख रहे हैं कि लोअर वैल्यू है 2.7, तो 2 को हमें जस्ट डबल कर देना है तो वो हो जाएगा 4, एंड 7 जो इसका लास्ट नंबर है 7, उसमें से हमें फर्स्ट नंबर जो है 2 उसे माइनस कर देना है। तो इस तरीके से 5 आ जाएगा गाइस, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4.5 mg/dL। तो ये जो पूरी लिस्ट है हमें एज इट इज याद रखनी है, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो हम इसे बड़े इजी वे में याद रख सकते हैं गाइस। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।